विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत आबकारी विभाग ने राजघाट थाना क्षेत्र के अमृतानी बाग में कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके संबंध में आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार से अवैध कच्ची शराब का दुरुपयोग न होने पाए, जिसको देखते हुए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को 3,000 लीटर कच्ची शराब, यूरिया, नौशादर बरामद किया और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था, जिसके खिलाफ 272 के अंतर्गत कार्रवाई किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के निशानदेही पर गुरुवार को जिससे कच्ची शराब लहन बनाया जाता है को जमीन के नीचे गाड़ कर रखा था, उसे जेसीबी के सहयोग से नष्ट कराया गया। साथ ही एक महिला की भी गिरफ्तारी की गई है, जो बुधवार को अभियुक्त पकड़ा गया, उसकी पत्नी है। उन्होंने बताया कि कुल 15 भट्टियां तोड़ी गई हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार त्रिपाठी ने कहा, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में आबकारी विभाग द्वारा लगातार अवैध और कच्ची शराब के खिलाफ प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज की भी कार्रवाई हुई है। जो अभी विधानसभा चुनाव होना है, उसमें किसी भी तरह से जो है अवैध शराब का दुरुपयोग ना होने पाए, उसी के दृष्टिकोण में जो है हम लोग लगातार इधर प्रवर्तन कार्य कर रहे हैं। कल शाम को हम लोग लगभग 3,000 लीटर अवैध कच्ची शराब, यूरिया, नौशादर और एक अभियुक्त को गिरफ्तार किए हैं, जिसके खिलाफ 272 के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। 62 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई हुई है। तो उसी की निशानदेही पर आज हम लोग जो है जिससे कच्ची शराब बनाया जाता है लहन जमीन के अंदर, जो काफ़ी नीचे गाड़ के रखा है, उसको हम लोग जेसीबी के सहयोग से नष्ट करवा रहे हैं, और जो है जिससे जो है इसका प्रयोग अवैध शराब के निष्कर्षण में ना होने पाए। सर, कोई गिरफ्तार भी किसी की? एक महिला जो है पकड़ी गई है, जो है उसी की पत्नी है, जो अभियुक्त जो है कल बना रहा था शराब, तो उसकी पत्नी जो है, उसी पत्नी की निशानदेही पर, और कल उसके पति ने बताया था कि हम लोग यहाँ पर ज़मीन में लहन गाड़ के रखे हैं, हम लोग सुबह से वहीं लहन नष्ट करवा रहे हैं। कितनी भट्टियाँ तोड़ी गई हैं? सुबह से हम लोग 15 भट्टियाँ तोड़ चुके हैं, और अभी ये जो है 2 अड्डे समाप्त हो चुके हैं और बाकी के 3 अड्डे और हैं, जहाँ पर यहाँ के बाद वहाँ पर भी कार्रवाई होनी है। कम से कम 10 किलोग्राम के आसपास जो है लहन सुबह से नष्ट किया जा चुका है। केवल अधिकारी टीम है कि नहीं, इसमें आबकारी की टीम है, आप जनपद गोरखपुर की आबकारी की टीम जो है दबिशी कार्य कर रही है।